नमस्ते। पिछले 3 दिनों के दौरान दो मुल्लाओं ने जो हल्ला मचाया उससे पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई। हतप्रभ इसलिए कि दोनों मुल्कों की 32 करोड़ से ज्यादा तैमन छाप कौम आटे को सूंघकर गुजारा कर रही है। पाकिस्तान हो या ईरान, इन दोनों एशिया और सुन्नी देशों में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी ने लोटे लटकाने के हालात बना रखे हैं। लेकिन बावजूद इसके दोनों देशों ने एक दूसरे की सरजमी पर हवाई हमले करके मुल्लागर्दी दिखा दी। दुनिया हैरान थी कि जिन जायलों के पास तशरीफ पहुंचने के लिए कतरन तक नहीं है, वह मुल्ला एक दूसरे की तशरीफ तोड़ने के लिए काबू से बाहर हो गए। हिंदुस्तानी जबान में इसे मटके के भीतर मुल्ला जी अटके कहा जाता है। इसका एक मतलब और भी है कि बेगम से लड़ नहीं पाए मुल्ला तो गधे के कान में जा पहना दिया छल्ला। ईरान भी इजराइल को युद्ध की धमकी देते देते थक चुका था। उसे एक गधे की तलाश थी जिसका वो आसानी से कान उमेट सके। ऐसे में बलि का बकरा पाकिस्तान को बनाया गया। इस मदरसा मुल्क के बारे में एक बात बड़ी रोचक है, वो यही कि जो चाहे इसकी बजा सकता है। भारत ने इसकी शुरुआत 1948 में ही कर दी थी। इसके बाद अमेरिका से लेकर अफगानिस्तान ने इसे घर में घुसकर ठोका है। ईरान के लिए पाकिस्तान भी आसान शिकार था और उसे जो गुस्सा इजराइल पर निकालना था इस पिटाऊ देश पाकिस्तान पर उतार दिया। इसके बाद गधे ने भी ईरान को दुलत्ती जड़ दी। वैसे भी मदरसा मुल्क गधों की आबादी से भरपूर है। इन गधों का उस वक्त से ही खून खोल रहा था जब ईरान ने उनके 100 से ज्यादा गधे मार डाले थे। अब यकीनन ईरानी गोली से शहीद गधों को शांति मिल गई होगी। लंबे वक्त से उनकी आत्मा तड़पते हुए पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर भटक रही थी। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके शहीद गधों का बदला पूरा कर लिया। साथ ही ईरान को संदेश दे दिया कि वो मामूली गधा नहीं है, बेशक उसकी पीठ पर भारी कर्जों, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी का बोझ लदा है, लेकिन दुलत्ती मारने के लिए पैर अभी भी आजाद हैं। दोनों मुल्ला एक दूसरे की बजाकर भाईचारे के गीत गा रहे हैं। मुल्लाई जबान में भाईचारे का मतलब होता है भाई को खाने वाला। ये अपनी बहन को बहनी नहीं मानते तो भाई को कैसे बकस देंगे। पीठ में खंजर घोंपने का इन जाहिलों का एक काला इतिहास है। इसलिए अभी यह मान लेना कि इन मुल्लाओं की जंग थम गई गलती माना जाएगा। ईरान पश्चिम एशिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने को उत्सुक है। अगर वह पाकिस्तान से दुलत्ती खाकर बैठ गया तो उसके तहमदों का क्या होगा, जिन्हें वो इजराइल के खिलाफ लहराकर अमेरिका तक को चुनौती देता है। बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान ने उसे 48 किलोमीटर घुसकर उसी की जमीन पर मारा है। ईरान को पलटवार करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की तरह ईरान भी फंटर मुल्लाओं का देश है। सबसे बड़ी आफत तो पाकिस्तान के शिया मुसलमानों पर टूटने वाली है, जो थोड़े सुरक्षित इसलिए महसूस करते थे कि ईरान के डर से पाकिस्तान सुन्नी गुटों पर लगाम कसे हुए है। लेकिन ईरान को घर में घुसकर ठोकने के बाद अब उनके हौसले बुलंद होने तय है। 2 दिन पहले ईरान में जश्न का माहौल था। कल से पाकिस्तान की मदरसा पैदा इस तहमद उतार कर चौराहों पर गधैया नृत्य कर रही है। खाने को दाने नहीं, नाचने के लिए पैरों में जान आ गई है। भूखी नंगी जनता की फौज ने काम ही ऐसा किया है। सही मायनों में पाकिस्तान की फौज ने बड़ा काम कर दिखाया है, वह भी तब जबकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम तक सन्नाटे में रह गई। वैसे ईरान के एयर स्ट्राइक के वक्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी डब्बा साबित हुए थे, लेकिन तब पाकिस्तान को ईरान से ऐसी किसी कार्रवाई की अपेक्षा नहीं थी। लेकिन ईरान को तो पता था कि पाकिस्तान अपनी आवाम को संतुष्ट करने के लिए कुछ तो करेगा। इन दो गरीब मुल्ला देशों की नौटंकी आज पूरी दुनिया देख रही है। एक दूसरे की तशरीफ बजाते हैं, फिर भाईचारे के गीत गाते हैं। समझ में नहीं आता कि युद्ध किया जा रहा है या बेगम को धो मांझ कर शुद्ध किया जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर आतंकियों के संरक्षण का आरोप लगा रहे हैं। आतंकी भी कोई और नहीं, इन्हीं के मुसलमान भाईचारे हैं। लड़ाई भी उन्हीं के लिए हो रही है। इसका एक मतलब तो साफ है कि मुसलमान आतंकी मुस्लिम देशों से ही एक्सपोर्ट होते हैं। सभी इस्लामिक देशों में आतंकी फैक्ट्रियां चलाई जा रही है। फिलिस्तीन से लेकर यमन, इराक, सीरिया, लीबिया, नाइजीरिया में दुनिया मुसलमान आतंकियों के खात्मे के लिए लड़ रही है। लेकिन ईरान पाकिस्तान में लड़ाई अपने अपने आतंकियों की सुरक्षा के लिए लड़ी गई है। हैरत की बात है कि इसके बावजूद भी कई देशों ने इन्हें अलग अलग समर्थन दिया है। एक वजह भी यही है कि दुनिया से इस्लामिक दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हो पा रही है। अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि ईरान जल्द ही तहमद कसकर मैदान में आएगा, क्योंकि अब सवाल गद्दों के मारने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने शहीद गद्दों की खुन्नस निकाली है, उसने बता भी दिया कि उसे इराक, लीबिया और सीरिया समझने की भूल न की जाए।
ईरान खामोश रह गया तो जैसे भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान की बजाते हैं वैसे ही कोई भी ईरान की बजाकर निकल जाएगा, क्योंकि हर लड़ाई प्रॉक्सी से नहीं जीती जाती है, पिछवाड़े में दम होना भी जरूरी है। और फिलहाल पूरी दुनिया पाकिस्तान के हाथों लाल हुए ईरान के पिछवाड़े को देख रही है, खासकर इजराइल और अमेरिका की नजर उसकी बम पर पड़ चुकी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।